bismillahirrahmanirrahim alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy I am your history teacher Ms. Farheen and I welcome you all to your history class my dear students today I'm going to give you a complete introduction of chapter number two just may hamne Persians Greeks or Roman civilization ke hai. so quickly pause the video and open your grade 6 history books I hope everybody has opened the books. So, my dear students, इसमें जो टॉपिक्स अंडर डिस्कशन होंगे उनको अगर आप गौर से देखें तो हम सबसे पहले राइज ऑफ़ एशियन एम्पायर परजियन एम्पायर पढ़ेंगे और साइड बाई साइड हम ये भी देखेंगे कि ये इनकी लाइफ स्टाइल कैसा था जो एक ग्रेट इसमें कॉन्क्र गुज़रा है या लीडर गुजरा है सायरस टू या साइरस द ग्रेट के नाम से हम उसकी लाइफ के बारे में जानेंगे फर्दर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ग्रीक्स एंड देर सिविलाइजेशन कहाँ से इनका आगाज़ हुआ कौन कौन से मुख्तलिदवार ग्रीक सिविलाइजेशन में गुजरे थे हमने उसके बारे में जानना है इन फर्दर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द रोमस और उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था इन तीनों सिविलाइजेशन का हमने उसको भी डिस्कस करना है सो माई डियर स्टूडेंट्स ये चैप्टर जो है ये बिल्कुल एक कम्प्लीट स्टोरी की तरह है जिसको आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा तो सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे परजियन एम्पायर को और हम ये देखेंगे कि इनका आगाज कहाँ से हुआ था कैसे जो है ये पावर में आए थे बहुत ही मज़े की स्टोरी है जो कि मैं आपको लेक्चर नंबर वन से स्टार्ट करके और कुछ लेक्चर्स में हम इसको कवर करेंगे एंड यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट फिर आ जाता है एस एलो नंबर टू जिसमें हमने क्या पढ़ना है वी विल बी डिस्क्राइबिंग ब्रीफली द रूल ऑफ साइरस द ग्रेट जो एक बहुत ही फेमस पर्जन लीडर गुजरा है या किंग गुजरा है साइरस द ग्रेट या साइरस टू जिसको कहा जाता है हम उसकी लाइफ के बारे में पढ़ेंगे फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट व्हेन एंड हाउ ग्रीक सिविलाइजेशन वाज फॉर्म कब बनी थी ये सिविलाइजेशन कैसे बनी थी कहाँ से इसका आगाज़ हुआ था कौन कौन सी वो जगह हैं जहाँ ग्रीक सिविलाइजेशन मौजूद थी और आज के दौर में उन इलाकों को हम क्या कहते हैं वी विल बी डिस्कसिंग दैट एंड इन द नेक्स्ट स्टूडेंट लर्निंग आउटकम यू विल बी एबल टू एनालाइज द डेली लाइफ एंड सोशल कस्टम्स ऑफ एंशियट ग्रीक्स सो एनशियट ग्रीक्स जो हैं इन्होंने बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ईजाद भी की थी वी विल बी डिस्कसिंग दैट एंड देन वी विल डिस्कस ब्रीफली एगजेंडर एंड द ग्रेट कॉन्क्सट एंड प्लेस इन दिस्ट्री एज अ ग्रेट कॉन्क्रेट अलेगजेंडर द ग्रेट एक बहुत फेमस जो है कॉन्क्रेट गुजरा है ग्रीक सिविलाइजेशन में हम इसके बारे में डिस्कस डि, 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 करेंगे कि ये कौन था इसकी फेमस होने की वजूहत क्या थी और इसके अलावा जो आप सिकंदर अजम के बारे में बातें सुनते हैं हमने उस पूरी स्टोरी जो है उसको डिस्कस करना है हिस्ट्री में एंड वी विल फर्दर डिस अबाउट डिस्क्राइब द कॉन्क्स्ट अलेगजेंडर कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया सो सिकंदर आजम जो है अलेगजेंडर द ग्रेट जिसको कहा जाता है उसने ना सिर्फ उसको कहते हैं उसमें पूरी दुनिया फतेह की थी और वो फतहत करते करते जो आपका पाकिस्तान और इंडिया सब कॉन्टीनेंट का इलाका है ये यहाँ तक आ गया था और यहाँ इसने किस तरीके से फतहत की वी विल ऑल्सो बी डिस्कसिंग दैट फर्दर हम इसके बाद रोमन सिविलाइजेशन जो है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे रोमन सिविलाइजेशन जो है ये साइड बाय साइड पर्जियन और ग्रीक्स के साथ साथ फ्लरिश तो कर रही थी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने ग्रीक्स को शिकस्त दी और इस शिकस्त देने के बाद ये वहीं से इनकी जो है वो ग्रेटनेस का जो है वो आगाज हुआ और कहते हैं कि ये इन्हीं के ग्रीक्स के रेमिनेट से ही जो है वो रोम जो है वो निकले हैं सो वी विल भी डिस्कसिंग अबाउट द डिवेलपमेंट्स ऑफ रोमन सिविलाइजेशन और कहाँ से इनका आगाज़ हुआ था कम्प्लीट इंट्रोडक्शन फर्दर वी विल एनालाइज द डेली लाइफ एंड सोशल कस्टम्स ऑफ रोमन्स कैसी थी इनकी सोशल लाइफ हम वो भी देखेंगे और उसके बाद हम कंपेयर करेंगे ग्रीक्स एंड रोमन्स को क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी दोनों सिविलाइजेशन में सिमिलैरिटीज़ गुजरी हैं इनके हम आर्किटेक्चर्स को और इनकी जो मुख्तलिफ एजाद हैं हम उनको डिस्कस करेंगे एंड फर्दर We will enlist some of the contributions the persians greeks and the Romans, जो उन्होंने दुनिया को मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो दी हैं और वो wo जो हैं आज तक उनको हम लेकर चल रहे हैं hain we will be discussing that also so my dear students, ये पूरी puri timeline है जिसको आप गौर से अगर देखें और ये आपको अभी से अगर आप समझ लेंगे तो आपको समझ में आएगा ये वो एरा है जहां से ग्रीक सिविलाइजेशन का आगाज़ हुआ और यहीं से आप देख सकते हैं कि रोमन सिविलाइजेशन का भी आगाज हुआ था लेकिन ये उस वक्त तक उतनी फ्लरिश नहीं हुई थी और यहां जाके जो है वो किसका खत्म हो गया था ग्रीक सिविलाइजेशन जो है इट एंडेड लेकिन रोमन सिविलाइजेशन जो है ये काफी आगे तक चलती रही थी एंड ड्यूरिंग बोथ तीस सिविलाइजेशन एक और सिविलाइजेशन देखने को मिली विच वॉज द परजियन सिविलाइजेशन जो कि 550 बीसी से 330 बीसी तक जो है वो Uh, मुहित रही तो हम इन तीनों सिविलाइजेशंस को uh, जो है वो डिस्कस करेंगे आई होप uh, आप जो है मेरे साथ रहेंगे सारे लेक्चर्स में सो स्टे टून फॉर अपकमिंग लेक्स है